12 सूत्री समस्याओं के निदान की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन का आंदोलन तेज हो गया है। ग्राम प्रधानों ने विकास भवन कार्यालय में तालाबंदी करते हुए समस्याओं के निदान की मांग की। प्रधानों ने कहा कि बीते कई दिनों से समस्याओं के निदान की मांग को लेकर विकास खंड मुख्यालयों में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके आंदोलन की सुध नहीं ली जा रही थी, जिस कारण मजबूरन प्रधानों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया है। प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह ऐठानी, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद टमटा, केदार महर सहित संरक्षक रविशंकर ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी 12 सूत्री मांगे थी मनरेगा में जो हमारे मजदूर हैं उनके 200 दिन किए जाएं, पहले 100 दिन था सरकार के द्वारा, और हमारे पास जो एक हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यानी सीएससी सेंटर के लिए 2500 रुपए का एक कर्मचारी रखा है 2000 का, प्रत्येक ग्राम पंचायत ने अपने बजट से जो गांव को मिलने वाला बजट है उसको 2500 रुपए पेड करना है, उसका हम विरोध करते हैं। और तीसरी बात ये कि हमारे जो अधिकार हैं हमको केवल 12 सूत्री मांगों में हमारे अधिकारों की चर्चा है, जो 1500 रुपए के मामूली वेतन में ग्राम प्रधान कार्य करता है उसको हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम विगत 10 दिनों से लगातार तालाबंदी कर रहे हैं, लगातार हम ब्लॉक में बैठे थे, हमने सरकार को चेताने के लिए हमने मौन जुलूस तक निकाला। क्यों? क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी होने के बाद तीसरे हमारे मुख्यमंत्री बने, वो भी हमारी सुध को नहीं ले रहे हैं, मौन है, तो इसलिए हमने मौन जुलूस निकाला। सरकार की सद्बुद्धि के लिए हमने शुद्ध बुद्धि का हवन भी किया और हमने अपने जो प्रमाण पत्र हमको दिए हुए थे, मैं तो इसको काले कानून का प्रमाण पत्र कहूंगा, काले कानून का श्वेत पत्र कहूंगा, जो भारत की आजादी से लेकर के अभी तक ग्राम प्रधानों को नहीं मिले हैं, उनको स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है, उसको विभागों के अंदर कैद करके रखा जा रहा है। हर अधिकारी हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करता है ये ग्राम प्रधान जानता है, ग्राम प्रधानों की किस तरह से उपेक्षा हो रही है। कोरोना काल से लेकर के अभी तक हमको किस जिल्लत भरी जिंदगी हमको जीने के लिए सरकार ने मजबूर किया है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज तो हमारे विकास खंड में तालाबंदी है, जो विकास भवन है हमने उसमें तालाबंदी की। अगर यही आलम रहा, अगर सरकार इसी प्रकार से अगर हमारी उपेक्षा करती रही, तो ये ग्राम प्रधान संगठन, हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी मांगों के लिए उनको सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी मांगों को मानिए, अगर आपने हमारी मांग को नहीं माना, आपके पास वक्त है, तो आने वाला वक्त आपका ऊपर अर्श से नीचे फर्श में गिर पड़ेंगे, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। और अभी ग्राम प्रधान स्तब्ध मौन और चुप हैं। अगर यही आलम रहा तो ये चिंगारी 16 बनेगी और 16 जाकर के ये देहरादून में कब बरस पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज हम बागेश्वर के इस विकास भवन के प्रांगण में 12 सूत्री मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन में है और विकास भवन का तालाबंदी भी है। और जैसे कि आपको न्यूज चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको मालूम है कि प्रदेश संगठन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 1 जुलाई से 10 जुलाई तक सभी जिलों में और सभी ब्लॉकों में हर विकासखंड में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसी के सापेक्ष में हमने भी पपकोट ब्लॉक, बागेश्वर ब्लॉक, गरुड़ ब्लॉक, तीनों ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन 10 तारीख तक का जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है। सरकार ने उन बातों पर कोई गौर नहीं किया, इसके बावजूद भी अगर 10 तारीख को जो बात नहीं मानेगी, इसी कारण में हम आज 12 तारीख का हमने ये प्रोग्राम रखा था, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। जैसे कि प्रदेश के आह्वान पर हमने 13 जिलों में ये सारे धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद इतनी जागरूक सारे प्रदेश में फैलाने के बाद न्यूज चैनल के माध्यम से अगर सरकार इसके बाद ही नहीं जागती है, तो हम इसको प्रदेश लेवल में भी और ले जाने की कोशिश करेंगे और अपनी 12 सूत्री मांगों को मनवा के ही सरकार से हम दम लेंगे। अगर सरकार अगर इस मांग को ध्यान में नहीं रखती है तो हम धरने के लिए और बाध्य होंगे और फिर से हम ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक तालाबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसकी सारी जानकारी हम प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पूरे जोर शोर से हम इसमें लगे हैं कि हमारी 12 सूत्री जो जेन्युइन मांग है उन पर हमारे मांगों को पूर्ण माने सरकार। देखिए, हम लोग विगत कई समय से यहाँ पे अपनी 12 सूत्री मांगों को लेके जो है आंदोलित हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रधान प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार अपने ब्लॉक से इसकी स्टार्टिंग करी थी और अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ज्ञापन प्रेषित किया था, लेकिन जो एक समय सीमा उसमें रखी गई थी उस समय सीमा तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं करने के बाद प्रदेश प्रधान संगठन के निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पे विकास भवन के सामने
बैठे हुए हैं, एक सांकेतिक धरना कहें या फिर आंदोलन कहें, जिसे जो भी आप समझ सकते हैं। तो हमारी जो मांग है, जो बार सूत्री मांग है, तो उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधान संगठन आज यहां पे अपने सभी कामकाज को छोड़ के और राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ के यहां पे संगठित हो गए, यहां पे अपनी मांग के लिए अपने उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तब तक हमारे पूरे प्रदेश के जो ग्राम प्रधान साथी इस आंदोलन में बैठे हुए हैं वो बैठे रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे प्रदेश के जो नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी जो हमारे इस समय बने हुए हैं और वो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, और हमारे सभी प्रधानों को उम्मीद है उनसे कि आने वाले समय में ज़रूर हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर हमारे इन मांगों पर गौर नहीं किया जाता है, हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाती है, फिर हम आगे प्रदेश स्तर तक भी जाने के लिए बाध्य रहेंगे। प्रदेश शासन की, प्रदेश सरकार की जो अनदेखी आज हमारे प्रति की जा रही है, एक तारीख से दस तारीख तक पूरे उत्तराखंड में प्रधान संगठन अपने विकास खंड में सब धरने में बैठे हैं, और हमारे कोई भी प्रतिनिधि, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने हमारे यहाँ पर अनदेखी की है, तभी हमको आज यहाँ पर 12 तारीख को यहाँ पर विकास भवन में घेराव और प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ पर तालाबंदी के लिए हमको आना पड़ा। हम उत्तराखंड सरकार से प्रधान संगठन के विकास का और प्रधान संगठन की वो बिल्कुल अनदेखी का पूरा आरोप लगाते हैं। नहीं तो हमें 10 तारीख तक के लगातार आंदोलन करने के बाद भी हमारे अगर हमारी मांगें मानी जाती तो हमें आप 12 तारीख तक विकास भवन घेराव की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी हमारे पास शासन स्तर से और उच्च स्तर से कोई भी वार्ता हमारे प्रधान संगठन के, उत्तराखंड प्रधान संगठन से कोई वार्ता नहीं हो रही है। आज भी हमें केवल रोकने का और प्रधानों को अलग तोड़ने का यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है। हम उत्तराखंड शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारी मांगें जो जायज़ मांगें हैं 12 सूत्री इनको हमारे मान ली जाए और हम पुनः अपना आंदोलन वापस लेंगे, और यदि हमारे 12 सूत्री मांग नहीं मानी जाती है तो हमारा आंदोलन राज्य स्तर पर चलेगा। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।